यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका अमन हिमाचली और आज मैं आपको दिखाऊंगा नेशनल लेवल होली फेस्टिवल सुजानपुर टिहा 2023 की ओपनिंग सेरेमनी। तो आप भी देखिए मैंने क्या क्या विजुअल्स अपने कैमरे में कैद किए हैं। और मेरी ये कोशिश है कि जो लोग सुजानपुर से बाहर हैं, हिमाचल से बाहर हैं, उन तक सुजानपुर होली महोत्सव की झलकियाँ मैं पहुँचा सकूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को थम्सअप करें और जो आपके दोस्त बाहर हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी होली मेले वाली फीलिंग ले सकें। तो आज की ओपनिंग सेरेमनी के हमारे मुख्य अतिथि रहने वाले हैं डॉक्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं ओपनिंग सेरेमनी राष्ट्र स्तरीय सुजानपुर होली महोत्सव 2023। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मेले का शुभारंभ करने के लिए सुजानपुर में पहुंच चुके हैं। तो अभी वो इस शाही जलेब की मेज़बानी करेंगे। सबसे पहले पगड़ी रस्म की जाएगी, उसके बाद वो झांकियों की पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद वो जलेब मुरली मनोहर मंदिर तक पहुंचेगी और मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद राष्ट्र स्तरीय होली महोत्सव सुजानपुर टिहरा 2023 का विधिवत।
ये जो लोगों का हुजूम उमड़ा है, ये बता रहा है कि लोगों में राष्ट्रीय स्तरीय होली महोत्सव 2023 की कितनी एक्साइटमेंट्स है। लोग दुकानों के बाहर खड़े हैं और कितनी ज़्यादा भीड़ में इधर इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ की होली काफ़ी पुरानी है, लगभग 400-500 साल वर्ष पुरानी है। इसकी शुरुआत महाराजा संसार चंद ने की थी और आज दिन तक ये जीवंत है। तो ये जो आप झांकियाँ देख रहे हैं, ये बहुत ही पारंपरिक है। पुराने समय में ये पालकियों में चलती थी, लेकिन अब इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है और अब ये ट्राली और बग्घी के माध्यम से मेला ग्राउंड तक पहुंचती हैं। तो मुख्यमंत्री जी इनकी पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद भोजलेब आगे चलेगी। मुख्यमंत्री जी झांकियों की विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनके साथ हैं हमारे सुजानपुर के लोकप्रिय विधायक श्री राजेंद्र राणा जी और साथ में बहुत ही सम्माननीय डिग्निटरीज हैं। तो यहाँ पर पूजा अर्चना होगी और उसके बाद ये हुजूम चलेगा प्राचीन मुरली मनोहर मंदिर की तरफ। प्राचीन मुरली मनोहर मंदिर जहाँ पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पूजा अर्चना करेंगे। तो ये रस्म सदियों से चली आ रही है। पहले महाराजा संसार चंद जी यहाँ पूजा अर्चना करते थे, उसके बाद वो अपनी प्रजा के संग होली मनाते थे और वो अपने टिहरा स्थित महल से होली खेलते खेलते सुजानपुर चौगान आया करते थे। तो वही रस्में आज भी तरोताज़ा रखी गई हैं और उनकी तर्ज पर आज भी यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है।